नमस्कार, जय साईं राम। मैं रिंकी शर्मा। कल मैंने आप सबसे स्विच वर्ड के बारे में कुछ शेयर की थी जानकारी, है ना? तो मैंने आपको ये बताया था कि स्विच वर्ड्स एक्चुअली हैं क्या, और स्विच वर्ड से रिलेटेड कि उसको यूज कैसे कर सकते हैं स्विच वर्ड्स को। तो मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं आज आपके साथ कुछ स्विच वर्ड्स शेयर करूंगी, तो कि आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने ड्रीम्स या गोल्स को अचीव करने के लिए। पर उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जब आप स्विच वर्ड्स को स्टार्ट करें, तो उसको मैं पहले आपको ब्रीफ कर देती हूँ, देन वी विल स्टार्ट विद द स्विच वर्ड्स क्विकली। तो पहली चीज आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मैं स्विच वर्ड अभी शेयर करूंगी, उस स्विच वर्ड से कनेक्टेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी आपकी प्रॉब्लम है और स्विच वर्ड आपको लग रहा है कि दिस पर्टिकुलर स्विच वर्ड इज हेल्पफुल टू यू, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि पहले मैनिफेस्ट करेंगे, यानी कि उसको पहले उसको पूरा अपने सब कॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, करंट सिचुएशन है, वो इम्प्रूव हो रही है, यानी कि आपको वो इंटेंशन पुट करनी है कि हाँ मेरी सिचुएशन जो है और वो इम्प्रूव हो रही है, जब आप चांट करना शुरू करेंगे फ्रीक्वेंटली। ठीक है, जैसे आप चांट करना शुरू करेंगे, अपने प्रेजेंट सिचुएशन को माइंड में रखेंगे जो आपके साथ अभी हो रहा है, तो उसको आप धीरे धीरे विजुअलाइज भी करना शुरू कीजिएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट इनिशियली, क्योंकि इतनी जल्दी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको दिखेगा नहीं कि हल होती हुई, आप विजुलाइज भी नहीं कर पाते कई बार, तो पर आपको करना है, आपको विजुलाइजेशन करनी जरूर है कि आपकी सिचुएशन बदल रही है आपके उस स्पेसिफिक स्विच वर्ड के चांट के से, तो वो आपको करना है। तो वो क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड आपका जो है वो कॉन्शियसनेस में आएगा और द स्विच वर्ड विल स्टार्ट वर्किंग। तो आपका पहला स्टेप क्या करना है, आपको विजुलाइजेशन करना है। जब भी आप चांट करोगे प्रेजेंट सिचुएशन आपकी जो वर्स्ट है, आप देख रहे हो कि आप जब भी चांट कर रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जो वर्स्ट है वो बेटर होती जा रही है। और दूसरी चीज है, आप इसको कभी भी चांट कर सकते हो, चलते फिरते, आप ऑफिस जा रहे हो, कार में हो, आप कैब में हो, या आप मेट्रो में हो, वेयर एवर यू आर, आप ऑफिस जाते जाते भी इसको चांट कीजिए, आप इसको घर में सोते भी चांट कीजिए। स्विच वर्ड में आप कभी भी चांट कर सकते हैं, इनफैक्ट व्हाइल टेकिंग बाथ यू कैन चांट दोज वर्ड्स, तो कितना इजी है ना? और सोने से पहले कीजिए, जब मर्जी कीजिए। अगर आप कॉन्टिन्यूसली चांट करना चाहते हैं, आप नहीं काउंटिंग में रखना चाहते 28 टाइम्स, तो गो चांटिंग, जितना आपको मन करे आप उसको चांट करते जाइए, जैसे कोई भी वर्ड है। ठीक है, तो उस वो दो चीजें आपको बस ध्यान रखनी है, चांट करना है एंड डोंट गिव अप योर होप। मैंने आपको कल भी ये बताया था कि आपका ऑरा मैटर करता है, आपकी ऑरा अगर क्लीन है तो वो जल्दी आपको स्विच वर्ड इफेक्ट करेगा, अदरवाइज इट मे टेक टाइम, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेजेस भी होती हैं कई बार, तो कई बार वो ब्लॉकेज को खुलने में टाइम लगता है, और इवेंचुअली जैसे ही वो खुलता है तो ब्लॉकेजेस हमारे खुलते हैं, तो हमारे मतलब ऑटोमेटिकली रास्ते बनते हैं काम जो हमें करने होते हैं, तो स्विच वर्ड उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, है ना? ये आपको डे टू डे जो प्रेजेंट सिचुएशन, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप उसको अप्लाई कर सकते हो, राइट? तो चलिए अब शुरू करते हैं कि हमारे स्विच वर्ड्स कौन कौन से हैं, जो कि मैं आज आपको बिल्कुल सिंपल स्विच वर्ड्स दूंगी जो आप आज से भी चांट करना शुरू कर सकते हो कभी भी। ठीक है, इसका कोई ऐसा नहीं है टाइम हो या कोई ऐसा हो फुल मून हो या कुछ भी, दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड एनी टाइम एनी वेयर। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पहला स्विच वर्ड। तो पहला स्विच वर्ड है काउंट। तो काउंट किस लिए यूज किया जाता है, काउंट इज यूज्ड फॉर मनी मेकिंग, जैसे कि अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं और आप
आपको मतलब प्रॉब्लम हो रही है अर्निंग में, आपकी बिजनेस में मनी फ्लो नहीं है या फिर आपकी अर्निंग में मनी फ्लो नहीं है, तो ये काउंट आप जब चैंट करेंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा पैसों को, यानी कि मनी को. तो ये फर्स्ट वर्ड जो मैंने आपको दिया है काउंट, तो आप इसको चैंट कर सकते हो, काउंट 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 काउंट. तो इस तरह करके आप चैंट करते रहो, या तो आपको मैंने ये भी कहा कि आप फ्रीक्वेंटली चैंट करते रहो काउंट 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 जितना आपका मन हो अनलिमिटेड. अगर नहीं तो फिर आप मिनिमम 28 तो कर ही लेना. अब हम करते हैं दूसरा स्विच वर्ड जो कि रीच. रीच स्विच वर्ड इज यूज्ड फॉर मतलब किसी चीज को, मतलब जो आपकी कोई ऑब्जेक्ट है या कोई चीज ऐसी है जो गुम हो चुकी है उस चीज को ढूंढने में मदद करेगा. तो आपको चांट करना है रीच 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 करके, आपको कॉन्टिन्यूसली चांट करना है. आप किचन में हैं, आप कहीं भी हैं, आप ये वर्ड को चांट कीजिए आपकी, और उस चीज को इंटेंशन में रखिए कि आपकी कौन सी चीज गुम हुई है. तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट योर लॉस्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है जी. अब हम आते हैं तीसरे में स्विच वर्ड, दैट इज मूव. मूव क्या करता है, आपकी एनर्जी, जो आपकी एनर्जी जा चुकी है, इट इज यूज टू रिगेन योर एनर्जी और फर्दर मूव करने के लिए. यानी कि आप कई बार बहुत मतलब डिप्रेस लेवल पे हो, आप किसी सिचुएशन पे स्टक हो गए हो, लाइक कुछ भी है, अगर आपके का वर्क एरिया में अगर कुछ नेगेटिविटी है तो आप वहां इन्फ्लुएंस होके आप वहीं स्टक हो गए हो कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ये मुझे बॉदर कर रहे हैं, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं. तो आप मूव मूव चांट करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा ये उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए. यानी कि आपको बिल्कुल पॉजिटिव करने के लिए आपका बिल्कुल टर्न ऑन कर देगा वो लाइट, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आपकी ऑन हो जाएगी. तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तुमने कोई भी करंट सिचुएशन है उसको वो दूसरी सिचुएशन में कन्वर्ट कर देगा आपकी, राइट. तो नाउ नेक्स्ट स्विच वर्ड इज डिवाइन. डिवाइन तो आप समझ ही गए हैं कि व्हाट डज द डिवाइन मीन, इट्स मोर लाइक कनेक्टिंग टू द गॉड. तो गॉड से आप कनेक्ट होते हो तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट अप होती है. सो डिवाइन डिवाइन डिवाइन, अगर आप डिवाइन आप चांट करते हो तो आपको यूनिवर्स यूनिवर्सल हेल्प मिलेगी, यानी कि आपको डिवाइन की हेल्प मिलेगी. आप अपने जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको बहुत जल्द मिलेगी, कोई भी आपकी डिजायर हो. तो आप डिवाइन डिवाइन भी चांट करेंगे तो आपकी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप जो भी विश वो जल्दी पूरी होगी. ठीक है जी. अब हम आते हैं टुगेदर वर्ड. मैंने जो आपको कल थोड़ा सा ब्रीफ किया था टुगेदर वर्ड को लेके, तो अब हम उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं. टुगेदर वर्ड जो है वो आपके पूरे माइंड सिस्टम को एक्टिवेट करता है, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड और जो कॉन्शियस माइंड को, और आपको फोकस्ड करता है कि आपको क्या चाहिए. कई बार हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हमें नहीं पता होता हम क्या करें. जैसे कि अगर एक फॉर एग्जाम्पल कि हमें कोई नया बिजनेस स्टार्टअप लेना है तो वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि हम क्या बिजनेस स्टार्ट करें. तो टुगेदर टुगेदर वर्ड जो है वो आपके माइंड को एक्टिवेट करेगा, आप फोकस्ड करेगा माइंड को आपके फोकस्ड करेगा, आपकी जो भी डिजायर है, मतलब आप जो चाह रहे हो एक्चुअली में, जो आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड हो, तो वो आपके माइंड में आपको वो लाएगा और वो आप उसको बहुत इजीली फिर करना शुरू कर दोगे. दैट इज बेसिकली लाइक एक्टिवेटिंग योर माइंड. हम आते हैं हमारे स्विच वर्ड की तरफ, दैट इज कैंसल. ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है आपकी नेगेटिव और अनवांटेड थॉट्स को. मतलब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं करूं क्या. मतलब आप छोटी छोटी बात को लेकर डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आप लोगों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, नजरअंदाज नहीं कर पाते हो कुछ प्रॉब्लम्स को. तो ये
वर्ड जो कैंसल है, स्विच वर्ड, ये आपकी नेगेटिव एनर्जीज यानी कि नेगेटिव थॉट्स और अनवांटेड जो बिल्कुल यूजलेस थॉट्स हैं जो आपको नहीं मतलब सोचने चाहिए और फिर भी आप सोचते रहते हैं, तो इस कैंसल स्विच वर्ड को आप चांट कर सकते हैं, कैंसल कैंसल कैंसल। तो ये आपको काफी हद तक हेल्प करेगा आपके अनवांटेड थॉट्स को लाइफ से दूर करने में। और साथ ही साथ जैसे कोई कर्ज में डूबा हुआ है, कोई कर्ज ले गया है आपने, तो वो कर्ज को भी आपके डेप्थ को भी दूर करेगा, इलिमिनेट करेगा आपकी लाइफ मतलब में जो कर्ज है वो उसको खत्म धीरे धीरे खत्म करना शुरू करेगा। तो कन्फेस एक अगेन इट इज अ वेरी यूजफुल स्विच वर्ड बिकॉज ये आपके जो एग्रेशन इश्यूज हैं यानी कि आपके अंदर जो अनवांटेड गुस्सा है, आप गुस्सेल हैं, आप बहुत गुस्सा करने वाले हैं, तो ये जो स्विच वर्ड है कन्फेस ये आपको हेल्प करेगा आपके गुस्से को कंट्रोल करने में। या आप अगर गुस्से में रहते हैं या आप किसी को हर्ट करते हैं और बाद में आप रिग्रेट करते हैं और अपने अंदर कूदते रहते हैं, तो यू कैन चांट कन्फेस कन्फेस कन्फेस, तो वो आपके माइंड में भी काफी हद तक एक रिलीफ लेके आएगा और ऑटोमेटिकली आपका गुस्सा, अगर आप किसी से भी गुस्सा आ रहा है, आपको किसी से गुस्से हैं आप, तो ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्रेशन को दूर करने के लिए। चार्म एक बहुत ही वंडरफुल स्विच वर्ड है। चार्म चार्म चार्म, आप जितनी बार चांट करेंगे तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लाइक हेल्थ वेल्थ, आपके रिलेशंस बेटर करने के लिए, आपको जॉब चाहिए तो आपकी जॉब में भी ये काफी हद तक हेल्प करेगा, जो भी आपको जॉब चाहिए। तो चार्म इज अ वंडरफुल स्विच वर्ड, ये मास्टर स्विच वर्ड है। मास्टर स्विच वर्ड होते हैं जो मैं आपको फर्दर, अभी और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं आपको फर्दर बताऊंगी मेरे अपकमिंग सीरीज में, बट फिलहाल तो मैं आपको ये बेसिक चीजें सिखा रही हूँ जो आप डेली में चांट कर सकते हैं। तो चार्म वर्ड इज वेरी यूजफुल कि आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो, कुछ भी आप चाहते हो, तो आप इसको चार्म चांट कर सकते हैं अपने इंटेंशन माइंड में रख के, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दोज थिंग्स। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ये मत पूछिएगा कि कब तक ये चांट करना है, क्योंकि मैं आपको ये बहुत क्लियरली आपको समझा देती हूँ। इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑरा, आप कितनी पॉजिटिवली इस मतलब स्विच वर्ड्स को चांट कर रहे हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, जो मैंने अभी तक आपको स्विच वर्ड्स आज बेसिक वाले शेयर किए हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली आप चांट कर सकते हो। तो उसके बाद चांट करते रहिए, जब तक आपके मैनिफेस्ट नहीं होता है डिजायर, तो आप उसको चांट करते रहिए। और कभी भी एनी टाइम, चाहे आप वॉशरूम में हो चाहे आप किचन में, बट आपको इंटेंशन आपके रखने हैं माइंड में कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आपके साथ ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो उसको आप कैसे मैनिफेस्ट करें, यानी कि आप विजुअलाइजेशन में चले जाएंगे। आप जब भी कुछ काम कर रहे हैं तो आप काम करते हैं, चाहे आप किचन में कुकिंग कर रहे हैं, तो यू कैन चांट चाम 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 चाम, और आपको जैसे मैनिफेस्ट किया आपने अपनी हेल्थ इश्यूज को लेके, आपने जॉब को लेके, कुछ भी आपके जो डिजायर है वो आप सिचुएशन को इमेजिन करके कि वो दैट इज गेटिंग बेटर, और आप उसको चांट करेंगे, इट इज गोइंग टू हेल्प यू, दैट आई कैन एश्योर यू लाइक एनीथिंग। और बाकी अगर आपको अगर लग रहा है कि इट्स वर्किंग फॉर यू, तो डेफिनेटली देन यू कमेंट ऑन माय दिस वीडियो कि आपका कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा इन स्विच वर्ड से, तो इट इज गोइंग टू शो यू द मिरेकल, बट स्लोली एंड स्टडी। तो मैं तो इस चीज में बिलीव करती हूँ कि कछुए की चाल चलो और विश्वास रखो कि आप ही जीतोगे, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट एनीथिंग, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। सो डोंट बी सो ईगर कि मुझे मेरे को ये चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, अभी हो जाना चाहिए, 3 दिन हो गए चांट करते, तो नो नो नो, प्लीज बी वेरी पेशेंट, ट्रस्ट द ऑलमाइटी गॉड, दैट इज अवर साईनाथ,
जिनको भी आप मानते हैं अपने बाबा को ध्यान रखते हुए कि बाबा मैं चांट शुरू कर रही हूँ, आप तो हैं ही जुड़े, ओम साई राम तो आपको चांट करना ही है, वो तो आप जब नहाए धोए पूजा में बैठे अपने घर के मंदिर में वो साई राम का तो करना ही है चांट, साथ साथ ये भी करिए, कोई इसका साइड इफेक्ट तो है नहीं, है ना, तो ये साथ साथ करेंगे तो डेफिनेटली इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट। तो चलिए, आशा है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी और पूरा विश्वास है कि आप अब इसको स्टार्टअप देंगे अपनी लाइफ में, एक किक देंगे विद द स्विच वर्ड्स विच आई शेयर विद यू टुडे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो ये बेसिक स्विच वर्ड्स हैं, और भी बहुत बहुत सारे मैं स्विच वर्ड्स दूंगी, अभी तो ये सिर्फ सिंगल वर्ड स्विच वर्ड्स हैं, तो आगे फ्रेजेस के साथ दूंगी जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, राइट। और मैं आपसे एक और चीज की रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी एक शॉर्ट फिल्म आ रही है थर्सडे को, साई मेरा विश्वास, जो कि साई बाबा के ऊपर है, इसको डायरेक्ट और लिखा भी मैंने ही है, उस फिल्म को देखना ना भूलिएगा और लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। चलिए, जय साईं राम, नमस्कार।